हेलो दोस्तों, क्या आप भी फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं और फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन अपने घर पर मंगा लिए हैं और आपको पसंद नहीं आ रहा है? जब आप वहां पर रिटर्न में जाते हो तो वहां पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो या कोई भी रीज़न सेलेक्ट करते हो तो वहां गाइस बस रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर रिफ़ंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट हो वो वहां पर ले ले और जो उसका रिफ़ंड अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए, ठीक है। बट वहाँ पर कोई भी आप उस ऑर्डर्स पे जाएंगे, मतलब सॉरी दोस्तों, अगर आप ऑर्डर्स पे जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी रीज़न सेलेक्ट करेंगे या डिफेक्टिव है या स्पीकर क्वालिटी सही नहीं है तो वहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन मिलेगा, मतलब उसके बदले वही नया सामान दे देगा और जो आपका वो सामान रहेगा ख़राब हो गया है वो रिटर्न ले लेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा कि आप लोग कैसे आप इस सामान को रिटर्न करके और आप लोग अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं, तो फुल डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को गाइज आप लोग को लास्ट तक देखना पड़ेगा एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरीके हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ एंड जैसे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ऑर्डर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रिप्लेसमेंट डाला था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग को एक बार ये सामान जैसे आ चुका है तो यहाँ पर आपको एक बार यही सामान फिर से मंगा लेना पड़ेगा। मान लीजिए स्पीकर क्वालिटी सही नहीं है वो डाल दीजिए, ठीक है। या कुछ भी प्रोडक्ट मंगाए हैं उसका कुछ भी एक प्रॉब्लम डाल के मतलब एक बार रिप्लेस कर दीजिए, फिर से दोबारा लेकर आएगा, ठीक है। जब दोबारा लेकर आएगा तो यहाँ पर गाइस एक रिटर्न अप्रूवल मांगता है, ठीक है। ये आपको कस्टमर केयर के पास फ़ोन लगाना है और कहना है सर मेरा रिटर्न अप्रूव कर दीजिए, तो वह आपसे कुछ वहाँ पर जानकारी पूछेगा, जानकारी बताने के बाद वो आपको यहाँ पर रिटर्न अप्रूवल दे देगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आ जाएगा जो डिलीवरी बॉय होगा वो आपको एक दूसरा वॉच देगा और जो पुराना जो आपका नया वॉच है कुछ उसमें प्रॉब्लम चल रही है वो लेकर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस जब आप वहाँ पर रिटर्न में डालेंगे, ठीक है, जब वहाँ पर रिटर्न में जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा रिफ़ंड का ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि गाइस मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन कई भाई लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल पर कमेंट किया था कि भाई मैं रिप्लेसमेंट मैं रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरा रिफ़ंड अमाउंट है मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही आप करेंगे, एक बार फिर से वही रिप्लेसमेंट सामान मंगा लेंगे, उसके बाद वहाँ पर रिटर्न में जाएंगे तो वहाँ पर रिटर्न एंड रिफ़ंड का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप लोग को वहाँ पर डायरेक्ट पर रिफ़ंड कर देना है, ठीक है। तो इतना ही। अगर आपको कस्टमर केयर से बात करना है तो कैसे बात करेंगे, तो आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, हेल्प सेंटर में जाना है, ठीक है। अब जैसे हेल्प सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम चला है, जैसे मेरा वॉच का प्रॉब्लम है तो इस वॉच पर क्लिक करेंगे एंड नीचे नीड हेल्प पर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे नीड हेल्प पर जाएंगे तो कन्वर्सेशन से बात कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैं कस्टमर केयर लिख देता हूँ, कस्टमर केयर, ठीक है। तो कस्टमर केयर लिख के सर्च करेंगे यहाँ पर चला जाएगा, फिर रिक्वेस्ट कॉल पर जाएंगे, आपका जो लैंग्वेज है लैंग्वेज सेलेक्ट कर दीजिए, मोबाइल जो नंबर है वो सेलेक्ट करके उसके बाद तुरंत ही आपको कस्टमर केयर कॉल कर देगा, ठीक है। इसके बाद आपका रिटर्न हो जाएगा। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर चैट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना है गाइस, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।